ये सैलून अभी आप यानी अलबरा में रहते हैं जी? जी मैं कितने अरसे से आप यानी सैलून पे आ रहे हैं यहाँ पे इनके पास? वन एंड हाफ ईयर हो गया। तो कितना क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका इनके साथ? बेहतरीन एक्सपीरियंस। सबसे अच्छी चीज इस सैलून की आपको क्या लगती है? यहाँ पे लोग काम अच्छा करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं यहाँ। तो क्या आप अपने दोस्तों के लिए इनको रिकमेंड करते हैं कि आपके दोस्त भी यहाँ पे आए? जी जी बेहतरीन मैं करता हूँ, रिकमेंड के दोस्त सब आए यहाँ। आपके ये जो बाल हैं इनके अंदर ये जो आपने हल्का सा कलर दिया हुआ है इसकी क्या खास बात है बताएं जरा इसके बारे में थोड़ा सा तकरीब करके दिखाता हूँ। ये एक नया स्टाइल और इसके हवाले से आप क्या कहते हैं ये क्या चीज़ है? यानी नॉर्मल स्टाइल है तो इससे क्या यानी लुक आउट लुक में क्या फर्क पड़ता है यंगस्टर के लिए? आप प्लेटफॉर्म से बच्चा आपको खुश आमदीद कहता है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं जिंदगी तमाम होती है और दुनिया का मिल जाना कोई कामयाबी नहीं है और दुनिया का न मिलना कोई नाकामी नहीं है। अल्लाह का मिल जाना कामयाबी है और अल्लाह का न मिलना सबसे बड़ी नाकामी है। मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, बच्चा आज मौजूद है दुबई अलबराह के अंदर। हमारे एक दोस्त हैं, उनका न्यू सैलून उन्होंने ओपन किया है तो उसकी कुछ दिन हो चुके हैं ओपनिंग हुए हुए, तो मैंने कहा उनकी शॉप पे जाके आपको वीडियो बना के आपसे शेयर करते हैं ताकि आप लोगों का उनकी शॉप तक और उनके उन तक पहुंचना आसान हो और उनसे उनके बिज़नेस और कारोबार के बारे में भी तारफ़ करते हैं। तमाम स्टाफ भी हमारे साथ मौजूद है, आइए मैं उनकी दुकान के आपको आउटसाइड का नज़ारा करवाता हूँ। शॉप के अंदर लेके जाता हूँ मैं, ये पूरी शॉप का नज़ारा है कारोबार और बिजनेस के हवाले से। जितनी बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे इतना ही अच्छा यानी आपको रिस्पांस मिलेगा और जितने आपके अखलाक अच्छे होंगे इतने आपको कस्टमर मिलेंगे। कोई भी कारोबार और काम की कामयाबी की जो दलील होती है वो अच्छा स्टाफ और अच्छी इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितनी अच्छी साफ़ सुथरी आप इन्वेस्टमेंट होगी इतना ही अच्छा। आए उनके ऑनर भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। सर जी कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? सर ठीक है, बच्चे का तरफ तो आपसे बहुत पुराना है, तकरीबन 8-10 साल से मैं आपको जानता हूँ। पहले जो आपकी कंपनी थी वो एक अलग यानी काम करती थी, अब आपने ये यानी कब से आपका ये जहन बना के सैलून के बिजनेस की तरफ आने का? अच्छा, तो इस काम का यानी एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा, ये काम का जो है ना एक्सपीरियंस आपको? तो अभी आगे आपका इस बिजनेस और कारोबार के हवाले से क्या जो है ना आपकी आइडियाज हैं? अभी इंशाल्लाह इसको और बढ़ाना है, हमने और ब्रांचेस ओपन करनी है इसकी में, सिलिकॉन में। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि ये इस कारोबार और बिजनेस के हवाले से आपकी कोई पार्टनरशिप है या आप खुद सी हुए हैं इस पूरे काम? नहीं, मेरा पार्टनर दूसरे, वो पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के हुए। तो ये आइडिया कैसे आया आपको? बस ये अलबरा में कोई अच्छा सैलून नहीं था तो हमने सोचा कोई अच्छा सैलून बनाते हैं साफ सुथरा। और इसके हवाले से जो भी आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सिटी में जैसे आपका इरादा है और उसके अलावा जो सिलिकॉन में है तो वहाँ यानी कि आपके पास यानी जो आप विज़िट करते हैं उसके लिए क्या आपकी कोई टीम है जो काम करती है या आप खुद इसके लिए जो है वर्क करते हैं? इसके लिए हम खुद काम करते हैं और सारे लड़के ट्रेन रखे हैं और अभी और बुलाने वो सब भी ट्रेन। तो पाकिस्तान से स्टाफ जो आप हायर करते हैं उसके लिए आपकी क्या तरतीब होती है? उसके लिए जस्ट वो वीज़े की जो बेसिक कॉस्ट है वो पे करते हैं लड़के। ठीक है, और फिर यहाँ से आके उनका जैसे यूएई में कमीशन बेस काम होता है वैसे कमीशन बेस होती है। तो पाकिस्तान में आप जो है ना इनकी इंटरव्यू वगैरह करते हैं या इनके काम के मुतालिक आपको मालूमात होती है या इसके हवाले से आपकी क्या? इंटरव्यू वगैरह करते हैं वहाँ पे प्रॉपर, उसके बाद ही यानी हायर करते हैं। चले आए हैं और इनके स्टाफ भी मौजूद हैं जैसे, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? माशाल्लाह मोहम्मद सुब्बा। काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे काम करते 1992 में पाकिस्तान में जी। तो ये तजर्बा कैसा रहा यानी आपको दुबई में आने का जो तजर्बा है वो कैसा रहा आपको? दुबई में माशाल्लाह बहुत अच्छे सही जबरदस्त है। अच्छा चले ठीक है, और एक कस्टमर भी हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो कब से यहाँ पे आते हैं।
सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है, खैरियत से? ये सैलून अभी आप यानी इधर ही रहते हैं जो अपना अलबरा में रहते हैं? जी जी, मैं कितने अरसे से आप यानी सैलून पे आ रहे हैं यहाँ पे इनके पास? 1.5 ईयर हो गया। तो कितना क्या एक्सपीरियंस रहा है आपको इनके साथ? बेहतरीन। सबसे अच्छी चीज़ इस सैलून की आपको क्या लगती है? यहाँ पे लोग काम अच्छा करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं यहाँ। तो क्या आप अपने दोस्तों के लिए इनको रिकमेंड करते हैं कि आपके दोस्त भी यहाँ पे आए? जी जी, बेहतरीन मैं करता हूँ रिकमेंड के दोस्त सब आए यहाँ पे। और जैसे कि सभी यानी उन्होंने कहा, ये तमाम स्टाफ भी उनका ये मेरे पीछे मौजूद है और इनके एक यानी के सीनियर जो है ना वो हैं सेल्समैन हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक है, खैरियत से? आपके ये जो बाल हैं इनके अंदर ये जो आपने हल्का सा कलर दिया हुआ है, इसकी क्या खास बात है बताएं जरा, इसके बारे में थोड़ा सा तकलीफ करके दिखाते हैं। ये एक नया स्टाइल, और इसके हवाले से आप क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ है? यानी नॉर्मल स्टाइल है। नॉर्मल स्टाइल है, तो इससे क्या यानी लुक आउटलुक में क्या फ़र्क पड़ता है यंगस्टर के लिए? आप थोड़ा प्यारा लगता है यानी दूर से जो है ना नज़र आता है और यानी कि लोग मुतवज्जो होते हैं आपकी शॉप के हवाले से। यानी कि आप यहाँ पे यानी जैसे आपके अरबाब हमने कहा मैनेजर हैं, तो आप अपने स्टाफ के साथ आपका रवैया कैसे रहता है? आसानियाँ पैदा करते हैं उनके लिए, और यानी कि कस्टमर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है? सर्विस अच्छी देना। ज़्यादातर कस्टमर कौन से आते हैं आपके पास? लोकल भी होते हैं, तो सबसे अच्छा कस्टमर जो उसका बिहेवियर एटीट्यूड अच्छा होता है, यानी कि सब कस्टमर का एक जैसा होता है या कुछ फ़र्क होता है उनमें? कुछ मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं जिनमें फ़र्क होता है, इसीलिए मेरे भाइयों बुज़ुर्गों और दोस्तों, इंसान के मिजाज जो हैं वो मौसम की तरह बदलते रहते हैं। यानी जैसे आप लोग आपको मिलते हैं, हर बंदा आपको आपके मिजाज के मुताबिक आपके मिजाज को चेंज कर देता है। इसीलिए ये एक पाकिस्तान के हवाले से यानी जितने लोग हमारे यहाँ कारोबार या बिज़नेस करना चाहते हैं उनके हवाले से एक ये ज़बरदस्त अटैचमेंट है। ये पहुँचाना आप तक ये है कि भाई कारोबार और बिज़नेस में जो है बरकत है, और आप भी इस तरफ आएँ, ये मत सोचें आपके पास कुछ नहीं, आप करेंगे कैसे, आप जिस चीज़ को करना चाहते हैं उसके तज़किरे करें और लोग खुद आपको उस काम पर खड़ा कर देंगे। इसलिए अल्लाह से मांगें, अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं है। आइए भाई, जैसे कि आपके अरबाब कह रहे हैं कि अरबरा के आप जो है ना टाइकून हैं इस काम के हवाले से, तो सबसे अच्छी बात क्या है जो आप कस्टमर के लिए रिकमेंड करते हैं कि कस्टमर को आप वो चीज़ यानी कि वो लुक दे सकते हैं जो कि आपको कहीं और मल्ले से नहीं मिल सकती? मुझे यहाँ पे तकरीबन 5 ईयर हो गए दुबई में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ यहाँ के लोग जो है ना क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं, इसलिए जो है ना लोग ज़्यादा इधर। और मैं सब से कहता हूँ जो लोग हमारी वीडियो यहाँ इर्द गिर्द देखते हैं कि वो एक दफ़े सैलून का विज़िट करें, इंशाल्लाह इसकी सर्विस बहुत अच्छी पाएंगे। और मैं आपको थोड़ा सारा भी करवा देता हूँ, ये जैसे फेशियल के हवाले से चीज़ें हैं पूरी की पूरी, ये जो है ना पूरा एक तरतीब से, और ये देखें, और इसके अलावा से